आई एम राहुल वर्मा आईएएस ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट आईएएस। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एप्टीट्यूड पार्टी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं इसके, देखिए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको और बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। चलिए, काफ़ी सारे लेक्चर्स मैं बनाने वाला हूँ इंजीनियर एप्टीट्यूड के, और आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एग्जाम आपका कोई भी हो, गेट हो, ESE हो, छोटे से छोटा एग्जाम, SSC JEE का भी एग्जाम हो, उसमें भी आप बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर पाएंगे। गारंटी दे रहा हूँ 100% स्कोर करेंगे, और आप लोग ये स्कोर करते हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से मैं किस लेवल पढ़ा रहा हूँ आपको इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। क्लियर? और आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मुझे और फर्दर वीडियोज़ बनाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसमें आपको मैं पढ़ा रहा था टाइम और वर्क। टाइम और वर्क के मैंने बहुत बेसिक से कंसेप्ट बता दिए, बहुत सारे क्वेश्चन लगवा रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। क्लियर? क्योंकि कंसेप्ट बहुत सिंपल रहते हैं इसमें, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में फॉर्मेट किए जाते हैं, तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन लगवा रहा हूँ आपको इस बार। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11, और ये होगा आपका टाइम एंड वर्क का। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको दो क्वेश्चन लगवाए थे लास्ट में, मैन और वूमेन के, इस तरीके से आपके मैन एंड टू डेज पे वर्क पे थे। हमने आपको बताया था कि आप जब वर्क निकाल रहे हो तो दो मैन और वूमेन हैं, मैन और वूमेन हैं कोई भी, तो उनकी एक रेशियो आपको फाइंड करना रहता है। इस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आपका रेशियो आ रहा है तो आप कॉमनली इनको कैंसिल आउट कर पाएंगे और आपका आंसर आएगा। अगर आपका रेशियो नहीं आ रहा है तब आप क्या कर पाते थे कि रेशियो नहीं आ रहा है आपका, तो आप लोग क्या करते थे इन दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेते थे। जैसे यहाँ पर रेशियो नहीं आ रहा है, 2:1 आ रहा है, 2:1:2 आ रहा आपका, तो आप एक कोई रेशियो नहीं आ रहा था, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होंगे आपके, तो हम इनमें रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे मैन और वुमेन में, फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं जिनमें रिलेशन भी फाइंड आउट करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया होता आपके पास, और आपके रेशियो भी नहीं आ रहे होते, तो उनके आंसर आप नहीं निकाल सकते। क्लियर? मैं आपको एक क्वेश्चन लगा के बताऊँगा अभी, तो परेशान मत होइए, इतना दिमाग मत लगाइए, जस्ट मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए और बहुत अच्छी तरीके से समझिए। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लगाते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में भी लगवाया था, ये क्वेश्चन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। इस टाइप क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इंजीनियर सबसे एग्जामिनेशन में इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। चलिए देखते हैं। 8 men and 3 women फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। क्लियर? सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं, 8 men है और 3 women है। क्लियर? और ये कितने दिन में कंप्लीट करते हैं इस वर्क को, कैन फिनिश द वर्क इन 8 days में, 8 days में अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। 2 men and 12 women कैन फिनिश द सेम वर्क, जो भी आपका सेम वर्क है उस सेम वर्क को 8 days में फिनिश करते हैं। तो 2 men plus 12 women कैन फिनिश दैट वर्क इन 8 days। क्लियर? हाउ मैनी डेज विल 6 men and 6 women टेक टू फिनिश द सेम वर्क। क्लियर? अब आपको सेम वर्क है, इस कंडीशन में आपका वर्क सेम है, इस कंडीशन में भी वर्क सेम है, और इसी सेम वर्क को 6 men और 6 women कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अपना वर्क, जो आपका टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क क्या होगा, इसके लिए वर्क सेम रहेगा, इसके लिए वर्क सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखो, 8 वो अपना सिंपल सा कंसेप्ट, मैन इन टू डेज, मतलब ये ग्रुप ऑफ मैन इन टू डेज, ग्रुप ऑफ मैन और वुमेन इन टू डेज। क्लियर? तो 8 men plus 3 women, और इनको कितने नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं, वो लग रहे हैं 8। जितना इनका वर्क होगा सेम वर्क वो कर रहे हैं ना, कैन और सेम फिनिश द सेम वर्क इन 8 days, तो आपका वर्क भी सेम यहाँ पे। तो 2 men plus 12 women कैन फिनिश दैट वर्क इन 8 days। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, आपका रेशियो नहीं निकल के आ रहा, आपका सेम रेशियो नहीं निकल के आ रहा। ये आपका 8:3 है, ये आपका 1:6 है, 2:12 करके देखिए, 8:3 करके देखिए, रेशियो सेम नहीं निकल के आ रहा, लेकिन हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पूछ लेते हैं यहीं पे कि अब ये बताइए कि यहाँ पे कुछ डेज पूछ लेते, इसके आगे कुछ भी नहीं पूछते आपसे, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते आगे। क्लियर? लेकिन आप इसको इतना सॉल्व कर पाएंगे कि हम रिलेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर आपके रेशियो सेम नहीं निकल पा रहे हैं तो आप रिलेशन निकाल सकते हैं इनके और इनके बीच में, मैन और वुमेन के बीच में। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गए क्योंकि वर्क सेम है आपका। तो देखिए यहाँ पे 8 men हो गए, और ये सब आ जाएंगे आपके 8 men plus 3 women = 2 men + 12। तो 8 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 6 men = 12 women - 3 women करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 9 women। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 men = 3 women। क्लियर? एक आपको रिलेशन पता चल गया आपकी इनकी इफिशियंसी के बीच में, कि आपको मैन एज कम्पेयर टू वुमेन कितना एफिशिएंट है। अगर आप मैन को रखेंगे तो 3:2 एज कम्पेयर टू वुमेन, और अगर वुमेन को रखेंगे 2:3 एज कम्पेयर इंटू मैन, तो इनकी इफिशियंसी निकल गई। अब देखते हैं टोटल वर्क जो है आपका, यही सेम वर्क, ये 6 men और 6 women मिलकर कितने दिन फिनिश करेंगी, तो इसको देख लेते हैं।
तो आपको जो वर्क है वो हमें फाइंड आउट करना है, सिक्स मैन यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है और सिक्स वुमेन प्लस सिक्स वुमेन कैन फिनिश दैट वर्क, नंबर ऑफ डेज हमें यहाँ पे लिख लिया, कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे इसको। अब कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे आपको वर्क तो यही है, ये भी कोई भी रख लीजिए, यहाँ से ये उठा कर रख लीजिए, ये उठा कर रख लीजिए, कोई भी रख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए मैं यहाँ पे ये रख ले रहा हूँ, या फिर ये रख लीजिए, कोई भी रख लीजिए, आपको एक में चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी। चलिए मैं ये रख लेता हूँ, आपको कोई भी एक रख लीजिए क्योंकि वर्क सेम है दोनों के बीच में, टू मैन प्लस के 12 वुमेन इंटू 8, क्लियर। अब देखिए आपके पास एक रिलेशन है, एक ही क्वेश्चन है आपके पास और एक रिलेशन है आपके पास, टू टू मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन, यहाँ पर रख लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। हम मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैन इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 वुमेन। अब हम जहाँ पे भी मैन होगा उसको वुमेन से रिप्लेस करना होगा, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 से। तो 6 × 3/2 मैन की जगह हो जाएगा आपका वुमेन, क्योंकि मैन इज इक्वल टू 3/2 वुमेन प्लस के 6 वुमेन, और नंबर ऑफ डेज आपको फाइंड करनी है, और आपके मैन कितना हो जाएगा 2 × ये आपका 3/2 वुमेन प्लस के 12 वुमेन जो आपको दी हुई यहाँ पर इंटू 8, क्लियर। समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन है आपको, यहाँ से आपको डी फाइंड आउट पता चल जाएगा। तो ये डी पता चल जाएगा कि आपका जो ये पर्टिकुलर वर्क है वो सिक्स मैन और सिक्स वुमेन कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, यही तो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं, आप ये आपका 3 और 3 × 3 कितना हो जाएगा आपका 9 वुमेन प्लस के 6 वुमेन इंटू डी इजकल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये आ जाएगा 12 प्लस के 3, ये हो जाएगा आपका 15 वुमेन इंटू 8, क्लियर। अगर हम देखें तो ये आपका 9 प्लस 6 ये भी आपका आ जाएगा 15 वुमेन इंटू डेज इजकल टू 15 वुमेन इंटू 8, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, डी इजकल टू 8 डेज। देखो जितने सिंपल तरीके से लगा सकता था मैं, जितने सिंपल तरीके से मैंने आपको लगा के बता दिया, आपको इसी तरीके से लगाइए, और बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मत करिए आपके यहाँ से वैल्यू निकाल ली आपने, फिर यहाँ पर रखिए आप, और फिर टोटल वर्क निकाल लीजिए, क्लियर। टोटल वर्क आप यहाँ से रख के टोटल वर्क भी निकाल सकते थे मैन और वुमेन की कैटेगरी में ला के। तो आपको एक सिंपल सी इक्वेशन में रखिए, आपको चीज़ें ईजी रहेंगी सॉल्व करना, क्लियर। मैंने आपको बता दिया, आपको जैसे भी समझना हो समझिए, कंसेप्ट समझिए, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। चलिए इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको चांस दे रहा हूँ, लगाइए और कमेंट करके बताइए कितना क्या आंसर आ रहा है आपका, ए बी सी डी क्या आंसर आ रहा है बताइए। चलिए देखते हैं, 12 बॉयज एंड 20 गर्ल्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, ये 14 डेज में कंप्लीट कर पाए, देन 18 बॉयज एंड 32 गर्ल्स कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 बॉयज प्लस के 20 गर्ल्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, क्लियर। 18 बॉयज प्लस के 32 गर्ल्स कैन कंप्लीट दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज। चलिए अब देखिए, यहाँ पे आपके पास एक ही इक्वेशन है, यहाँ पे तीन इक्वेशन नहीं है आपके पास। देखो यहाँ पे इस तरीके से तीन चीज़ें बन के आ रही थी, तीन फॉर्म हो रही थी, तीन चीज़ें इक्वेशन बन के आ रही थी आपको, एक दो और एक तीसरा जो इन्हें पूछा गया था, क्लियर। तो इन दोनों को मिला के हमने एक रिलेशन बना लिया और सीधी सीधी वैल्यू इसमें पुट कर दी हमने, तो आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन दी है और यहाँ पर नंबर ऑफ डेज पूछ रहे हैं, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको मैन आपके बॉयज़ और गर्ल में एक रिलेशन होना चाहिए था। अगर वो रिलेशन नहीं आ रहा आपका, तो एट लीस्ट ये इसमें से कॉमन निकल के आ जाना चाहिए। देखते हैं इनका कि आपका रेशियो, देखते हैं इनका कितना आ रहा। तो वर्क जो आपका होगा, वर्क होगा 12 बॉयज प्लस के 20 गर्ल, नंबर ऑफ डेज 14 दिए हुए हैं, और ये इसके इक्वल भी रहेगा आपका क्योंकि सेम वर्क है, 18 बॉयज प्लस के 32 गर्ल्स, और ये नंबर ऑफ डेज डी आपको ये फाइंड आउट करना है, और इसके अलावा कोई भी डाटा नहीं दिया होगा आपको। अब अगर इनका रेशियो निकाल के देखें, 12:20 करें, तो 12:20 आएगा 3/5, 4 से मैंने कैंसिल आउट किया इसको, और इसको 18:32 करें तो ये आ जाएगा अपन 2 से कैंसिल आउट होगा, तो 9/16 आ रहा, 3/5 आ रहा। अब देखिए इनका रेशियो सेम नहीं आ रहा, इनका रेशियो सेम नहीं आ रहा, तो मतलब इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी कॉमन नहीं ले पाओगे कि आपके पूरे के पूरे कैंसिल आउट हो जाए, तो आप डी की वैल्यू निकाल पाएँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है हम लोग क्या करेंगे, अगर ये कोई और स्टेटमेंट दिया होता इसके साथ में, तो हम लोग ये रिलेशन फाइंड कर लेते बी और जी के बीच में, बी और जी के बीच में रिलेशन फाइंड करके हम इसको सॉल्व कर सकते थे, जैसे मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन किया। इसमें इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
क्लियर। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन है ये, 2017 क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है थोड़ा और आप बहुत इजीली कर पाएंगे। चलिए देखें, 1200 मैन एंड 500 वुमेन कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 2 वीक। क्लियर, चलिए देखते हैं, 1200 मैन एंड 500 वुमेन कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 2 वीक, 2 वीक में ब्रिज को बिल्ड कर पाएंगे। 900 मैन प्लस 250 वुमेन विल टेक 3 वीक्स टू बिल्ड द सेम ब्रिज। उनको कितना लग रहा है, 3 वीक्स लग रहा है, उनको लगे हैं वीक्स लग ले रहा हूँ, नहीं आप लोग समझेंगे, वुमेन समझेंगे इसको, क्लियर। 3 वीक्स फॉर टू बिल्ड द सेम ब्रिज, हाउ मैनी मैन कैन बिल्ड वी नीड टू बिल्ड द ब्रिज इन 1 वीक। यहाँ पर देखो, एक ही चीज़ पूछ रहा है, वो नंबर ऑफ मैन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मैन कितने आपको रिक्वायर्ड होंगे टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज इन 1 वीक। क्लियर, तो आपको अब यहाँ पे आपको वर्ग निकालना पड़ेगा, अब वर्ग निकालेंगे फिर आपको सिंपली यहाँ पे वुमेन को कैंसिल आउट करेंगे, वुमेन को हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे मैन से, तो आपके जो नंबर ऑफ मैंस आपको पता चल जाएंगे इतने नंबर ऑफ मैंस की रिक्वायरमेंट है। तो आपको वर्ग का वही सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पर इन दोनों के लिए सेम रहेगा। तो 1200 मैन प्लस 500 वुमेन, मैन ग्रुप ऑफ मैन इंटू डेज, 2 वीक्स लग रहे हैं यहाँ पर, और 900 मैन प्लस के 250 वुमेन इंटू नंबर ऑफ वीक कितने लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं यहाँ पर। क्लियर, चलिए देखते हैं यहाँ पर, अब इनके बीच में हम एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बीच में रिलेशन निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है कि हाउ मैनी मैन विल बी नीडेड टू बिल्ड द ब्रिज। जैसे आपके लास्ट वाला क्वेश्चन लगवाया था मैंने, लास्ट लास्ट क्वेश्चन लगवाया था, उसमें मैन और वुमेन एक साथ मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर रहे थे उस काम को, यहाँ पर सिंपली मैन के लिए पूछ लिया गया। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2400 मैन प्लस के 1000 वुमेन इजकल टू नॉट आती है 2700 मैन प्लस 750 वुमेन। 2400 को यहाँ पे लेके आएंगे, 2700 से करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यह आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 300 मैन और ये 1000 और यहाँ पे लेके जाएंगे तो 250 वुमेन। तो वुमेन देखें अगर आप लोग तो 30/25 मैन, और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे वुमेन के लिए एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, मैन के लिए एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, 5 आपका 6/5 मैन। क्लियर, एक रिलेशन निकल के आ गया आपको, अब पूछ रहा है नंबर ऑफ मैंस बताइए, अब पूछ रहा है क्वेश्चन हाउ मैनी मैंस विल बी नीडेड टू बिल्ड द ब्रिज। हमने मान लिया कि यहाँ पे नंबर ऑफ मैंस, मान लीजिए मैंने कुछ है नंबर ऑफ मैन एन है जिनकी हम रिक्वायर्ड है, एन नंबर ऑफ मैंस की रिक्वायरमेंट है हमें। क्लियर, और कितना टाइम दे रहे हैं, 1 वीक का टाइम दे रहे हैं, और आपका ये हो जाएगा आपका वर्क, इस वर्क, ये इस वर्क के सेम है ना, ये वाला वर्क कर रहे हैं, तो इस वर्क को लेके ये वाला वर्क ले लो, चाहे ये वाला वर्क ले लो, 1200 मैन प्लस के 500 वुमेन, और ये कितने दिन में काम कर पा रहे थे इसको, 2 वीक में कर पा रहे थे। क्लियर, तो यहाँ पर सिंपली रख लो, तो नंबर ऑफ मैन जो हमें चाहिए हैं वो हो जाएंगे आपके 1200 मैन प्लस वुमेन का हमने रिलेशन निकाल लिया, अगर मैन के टर्म होता तो मैन के लिए रिलेशन निकाल लेते, 500 इंटू वुमेन को रख जाएंगे 6/5 मैन, क्योंकि आप रखना वुमेन इजकल टू 6/5 की जो का रिलेशन है 6/5 मैन इंटू 2। क्लियर, सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मैंस रिक्वायरमेंट आपके जो मैन मैन थे वो आपको कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे मतलब, या तो आपके नंबर ऑफ मैंस जो निकल के आ जाएंगे आपको वो जाएंगे 100 हो गए ये, और ये 6 तो ये 600 हो गए, और ये 1200 तो ये हो जाएंगे आपके 1800 इंटू 2। तो आपको जो नंबर ऑफ मैन की रिक्वायरमेंट थी वो आपकी आ जाएगी 3600 मैन की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो आपके नंबर ऑफ मैंस की रिक्वायरमेंट रहेगी 3600। आंसर इज सी। क्लियर, सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, आपको बहुत सिंपली सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत इजीली करेंगे, आप कर पाएंगे क्वेश्चंस को, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो जो क्वेश्चन मैं लगवा दे रहा हूँ ना वही लगा लीजिए अगर आप लोग, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा, आपको बहुत परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, 12 मैन और 18 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 14 डेज, इन हाउ मैनी डेज द सेम वर्क विल बी फिनिश्ड बाय द 8 मैन एंड 60 वुमेन। क्लियर, 16 वुमेन, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो देखें 12 मैन कितने दिनों कंप्लीट कर पा रहे हैं इसको, और लिखा ना यहाँ पर प्लस नहीं लिखा, एंड लिखा होता तो हम लोग प्लस करते हैं, अब गलती मत कर देना,
12 मैन और 18 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 14 डेज। ये भी 14 डेज में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर वुमेन करना चाहें तो ये भी 14 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा मैन इन 2 डेज, 12 मैन इंटू 14 डेज, या इसको इक्वल टू कर सकते हैं आप 18 वुमेन इंटू 14 डेज। तो हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं ना, एक सिंपल सा, ये आपका 6 से कैंसिल हो रहा है 2 और ये 3, तो ये आपका आ जाएगा 2 मैन इक्वल टू 3 वुमेन। चलो एक रिलेशन तो मिल गया यहाँ पर। चलिए, इन हाउ मैनी डेज द सेम वर्क विल बी फिनिश्ड बाई द 8 मैन और 16 वुमेन। तो आपका जो सेम वर्क है, तो वर्क क्या आपका ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, यही तो आपका सेम वर्क है ना। तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा, मैं कोई भी एक वर्क उठा लिया, मान लीजिए मैंने ये उठा लिया 12 मैन इंटू 14 वाला, मैंने एक वर्क उठा लिया, ये वाला जो वर्क है आपका वो सेम वर्क विल बी फिनिश्ड बाई द 8 मैन और प्लस 16 वुमेन के द्वारा कितने दिन में कंप्लीट किया जाएगा। नंबर ऑफ डेज मैंने यहाँ पे डी कंसीडर कर लिया, अब आपके नंबर ऑफ डी की वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग। चलिए, आपके पास मैन के साथ एक रिलेशन है कि आप मैन को अगर कहीं भी आ रहा है रिप्लेस कर सकते हैं, 2 मैन को रिप्लेस कर सकते हैं 3 वुमेन से। तो यहाँ पर 12 मैन रहने दो इंटू 14 इजकल टू 8 मैन यहाँ पे भी रहने दो। अब वुमेन आ गए आप, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे और सिंपली थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, वुमेन किस फॉर्म में रख देते हैं और थोड़ी इजी हो जाएगा आपको। यहाँ पे 12 मैन को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 मैन लिख सकते हो ना, 2 मैन इंटू 14 इजकल टू 8 मैन को क्या लिख सकते हो आप लोग, 4 इंटू 2 मैन लिख सकते हो, प्लस के 60 वुमेन इंटू डी। तो 2 मैन की वैल्यू क्या है, 3 वुमेन। रिप्लेस कर दो 2 मैन को 3 वुमेन से, इंटू 3 वुमेन इंटू 14 इजकल टू, रिप्लेस करो 2 मैन को 3 वुमेन से, तो 4 इंटू 3 वुमेन प्लस के 16 वुमेन। और सिंप्लीफाई कर सके, ऐसा नहीं है कि मैं आप 2 मैन 3 वुमेन की जगह आप 2x3 करके भी कर सकते थे, क्लियर। चलो देखते हैं, तो ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं सबसे पहले 12 वुमेन 60 वुमेन इंटू डेज, और ये आ जाएगा आपका 18 वुमेन इंटू 14। नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं, छोड़ो, 18 वुमेन इंटू 14 अपॉन 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका 28 वुमेन। सिंप्लीफाई करिए, आपकी वुमेन्स निकल के आ जाएंगी आपकी, ये हो जाएगा आपका 28 हो गया, 14 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और ये 2, ये आपका हो जाएगा 9। तो नंबर ऑफ डेज की रिक्वायर्ड होगी वो होगी आपकी 9 डेज, क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, नंबर ऑफ वैरायटी जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आपके एग्जाम में वो यहाँ पे लगवा दूंगा मैं आपको, क्लियर। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से समझिए और चीज़ें आपकी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद में एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन लगवाऊंगा आपको, चलिए देखते हैं। अ हाउस कैन बी पेंटेड बाई 7 मैन एंड 2 वुमेन इन 8 डेज, क्लियर। ये दोनों 7 मैन और 2 वुमेन मिलके इसको 8 दिन में पेंट करते हैं। इफ़ दे वर्क फॉर 12 आवर इन अ डे, लेकिन वो एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, सिर्फ 12 घंटे काम कर रहे हैं, क्लियर, 12 घंटे काम कर रहे हैं। वर्किंग एट द सेम रेट 6 मैन एंड 20 वुमेन कैन डू द जॉब इन 4 डेज। अब अगर इनको रिप्लेस करते हैं तो ये लोग आते हैं, जैसे 6 मैन और 20 वुमेन आते हैं, इस पूरे वर्क को वो 4 डेज में कंप्लीट कर देंगे। इन हाउ मैनी आवर्स कैन 8 मैन और 8 वुमेन कैन पेंट द होम, क्लियर। सेम क्वेश्चन लगवा चुका हूँ मैं आपको, अच्छा क्वेश्चन है, लगा के देखते हैं इसको। चलिए देखते हैं, 7 मैन हो गए आपके और 2 वुमेन हो गए, कितने 8 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं, पेंट कर देते हैं इसको। अभी इसको मैं अभी यहाँ पर रखूँगा साथ में, अभी क्या है मैं बाद में इसको कन्वर्ट करूँगा 12 आवर को, अभी कन्वर्ट कर दूँगा। मैंने पहले भी जब आपको टाइमर वर्क के क्वेश्चन लगवा दिए तो मैंने पहले ही बताया था कि जब आपको कन्वर्जन करना हो तो डेज में रहने दीजिए, आवर्स में आप करेंगे तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी आपकी, या फिर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख लीजिए, इसको हम बाद में लिखेंगे, क्लियर। तो 8 डेज है ना, तो आवर्स में नहीं रखेंगे इसको, डेज में ही रखेंगे अभी, क्लियर। वर्किंग एट द सेम रेट 6 मैन प्लस के 20 वुमेन कैन डू द जॉब इन 4 डेज, क्लियर। फर्जी में हम लोग मल्टीप्लाई करके, अभी 12 को मल्टीप्लाई करके हम लोग अपनी कैलकुलेशन में थोड़ा लेंदी बना लें, हम लोग डेज में आंसर निकालेंगे, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे इसको आवर्स में, क्लियर। चलिए देखते हैं, तो वर्क क्या हो जाएगा आपका, वर्क हो जाएगा आपका मैन इन 2 डेज, ग्रुप ऑफ मैन क्या है ये आपका,
सेवन मैन प्लस के टू वुमेन इंटू डेज कितने लग रहे हैं, एट इंटू सिक्स मैन प्लस के 20 वुमेन, इनको नंबर ऑफ डेज कितने लग रहा है, फोर। ये आपका वर्क हो गया। अब यहाँ पर देखो रेशियो निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसके टर्म में पूछ रहे हैं वो, तो हमें यहाँ पे सिंपली रेशियो आपका आपका कॉमन रेशियो आ भी नहीं रहा, 7:2 आ रहा है वहाँ पर, और ये आपका कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी नहीं आ रहा आपका, रेशियो सेम नहीं है। तो हम लोग सिंपली एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे मैन इंटू डेज में, और फिर सिंपली मैन इंटू डेज को यहाँ पर रख के और अपना डेज निकाल लेंगे हम लोग। चलिए देख, इस तरीके क्वेश्चन में लगवा चुका हूँ, वो लास्ट क्वेश्चन आपका सेम ही था। चलिए देखते हैं, तो ये 7 × 8 तो ये हो जाएगा आपका 56 मैन प्लस के ये हो जाएगा 16 वुमेन इक्वल टू 24 मैन प्लस के 80 वुमेन। क्लियर, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 56 माइनस के 24 कितना हो जाएगा आपका 32 मैन, और ये हो जाएगा 80 माइनस के 16 कितना हो जाएगा आपका 64 वुमेन। 62 और 32 टू एम इक्वल टू टू वुमेन, ये तो आ गया आपका एक रिलेशन। आप क्या बोल रहे हैं, वर्क, आप कोई भी वर्क पिक कर लीजिए, ये वाला वर्क पिक कर लीजिए या फिर ये वाला वर्क पिक कर लीजिए। चलिए मैं आपका कोई सा भी वर्क पिक कर लीजिए आप लोग, चलिए मैं आपका ये वाला वर्क ले रहा हूँ, 7m प्लस के 2w, 7 मैन प्लस के 2w इंटू 8। क्लियर, बोल रहे हैं डू द सेम इन हाउ मैनी डेज 8 मैन एंड 8 वुमेन पेंट द होम, कितने दिन में पेंट कर देंगे, तो आपका सेम वर्क कर रहे होंगे, सेम पेंट कर रहे हैं, तो आपका 8 मैन प्लस के 8 वुमेन कितने डेज में पेंट कर रहे होंगे, नंबर ऑफ डेज मैंने यहाँ पे डी रख लिया। क्लियर, अब इसको सिंपल कर लेते हैं हम लोग, सिंपलीफाई कर लेते हैं क्योंकि आपको मैन और वुमेन में एक रिलेशन आपको पता है। तो आपका वन मैन को हम रिप्लेस करते देते हैं टू वुमेन से, वन मैन को टू वुमेन से रिप्लेस करेंगे, तो आपका वन मैन सेवन मैं कितने हो जाएंगे, 14 वुमेन, और प्लस के टू वुमेन तो आपको थ्री ही, यहाँ पे 8 हो जाएगा इक्वल टू 8 मैन, तो आप क्या हो जाएंगे 8 × 2 16 वुमेन प्लस के 8 वुमेन, और ये हो जाएगा डी। तो डी की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 14 प्लस के 2 कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 16 वुमेन इंटू 8 अपॉन, ये आ जाएगा आपका 16 और प्लस 8, ये आ जाएगा आपका 24 वुमेन। क्लियर, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 24। क्लियर, तो नंबर ऑफ डेज निकल के आ गया 16/3 डेज। अब क्या बोल रहा है वो, इफ दे वर्क फॉर 12 आवर के लिए वर्क करते हैं, और पूछ भी रहा है आंसर आपका आवर में पूछ रहा है, तो सिंपली आपको डेज को आवर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर 24 डेज आवर नहीं मिले आपको, इस काम जो काम चल रहा है उस काम के अकॉर्डिंग रखेंगे आप लोग नंबर आवर्स में, तो 16/3 इंटू 12 आवर, वन डेज कल टू 12 आवर यहाँ पर कंसिडर किया गया, तो ये आ जाएगा आपका 4, और 16 × 4 कितना आ जाएगा आपका 64 आवर। तो नंबर ऑफ डेज या फिर आपका सिंपली जो टाइम था, अब ये डेज में तो नहीं रहा आपका, अब ये आवर्स में आ गया आपका, तो जो आपका टाइम है वो 64 आवर्स रहेगा, तो 64 आवर्स इज द आंसर। इन हाउ मैनी आवर्स पूछा ना, इन हाउ मैनी आवर्स कैन 8 मैन और 8 वुमेन कंप्लीट द वर्क। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लगा के देखिए आंसर आता तो एक्चुअली, और समझिए इसको। टू मैन एलोन और, यहाँ पे ध्यान रखिए हमेशा, और थ्री मैन एलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। क्लियर, टू मैन, क्लियर, कंप्लीट और थ्री वुमेन कुछ भी हो, कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, ये भी 4 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, ये भी 4 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, तो वर्क कितना आ जाएगा आपका, वर्क आ जाएगा 2 मैन इंटू 4 इक्वल टू 3 वुमेन इंटू 4, इन यहाँ से एक रिलेशन भी निकल आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 मैन इक्वल टू 3 वुमेन आपका एक रिलेशन भी निकल के आ गया। इन हाउ मैनी डेज कैन वन वुमेन एंड वन मैन टुगेदर कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको वर्क तो आपको पता है ना, ये वाला आपका वर्क हो गया, तो वर्क है जो आपका कोई वर्क ले लो यहाँ पर, ये वाला वर्क मैं पिक कर ले रहा हूँ यहाँ पर, क्लियर, या फिर आप लोग ये वाला वर्क कर लिए, चलिए हमेशा ये लेता हूँ, आज ये ले रहा हूँ, 3 वुमेन इंटू 4 इजिकल टू, अब क्या है, 1 वुमेन और 1 मैन, तो 1 वुमेन प्लस 1 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मैनी डेज, तो हम नंबर ऑफ डेज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिए, तो ये आ जाएंगे आपका 12 वुमेन इजिकल टू, अब यहाँ पर देखो हम एक वुमेन है तो वुमेन के फॉर्म में रिलेशन रख ले रहे हैं, वन वुमेन, वन मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा,
मैन वन मैन इजकल टू हो जाएगा 3/2 वूमेन, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 मैन आपका कन्वर्ट हो जाएंगे वूमेन में इंटू नंबर ऑफ डेज। अब देखो यहाँ पे हो जाएंगे 5/2, चलो वूमेन आपकी कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, और इंटू डेज, तो हो जाएंगे आपके डेज इजकल टू हो जाएंगे 24/5 डेज इज द आंसर, 24/5 इज द आंसर। क्लियर, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन आपके लास्ट से एग्जाम में आए हुए हैं, पब्लिक सेक्टर्स में आए हुए हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं आपके। डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन जितने भी सॉल्व करा सकता हूँ मैं करा रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ अपने एंड से। आप लोग भी अच्छे तरीके से पढ़िए, चीज़ों को समझिए, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो पूछिए मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।